बताओ क्या बात। ठीक सर। यस सर। ये प्रो गेमर का लोगो बनाया, प्रो ओके गेमर साइट बनाई ना, ओके और ये बनाई साइट। लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लिया कहीं से या खुद से बनाया? दो चीजों से कंसेप्ट लिया था। ओके कहाँ से? ये जो प्रो गेमर बीच वाला है वो अलग से लिया था। हाँ, लोगोस सर ऐसे ही सर्च किए थे, गेमिंग लोगोस। तो ओके जो ये वाला प्रो गेमिंग वाला है, जो ये वाला, ये बीच वाला, ये अलग से है, और बाकी ये रिमोट और ये अलग से था। अच्छा, किसी गेम में दोनों यूज को किया मैंने, या यस रीड सर, रीड्रॉ की है या ट्रेस की है? रीड्रॉ नहीं किया, बता, ट्रेस किया, ये दोनों चीजें ट्रेस की ना, अच्छा, दोनों चीजें प्रो ट्रेस। वाला भी ट्रेस किया और हाँ, और ये वाला भी ट्रेस किया ओके ठीक लोगो बनाने के लिए। है। यस सर। और ये बनाया, ये मैं इच्छी डाल दूँ? हाँ, फिलहाल इमेज डाली सर, बाकी सारा बनाया। ये खाली है कि मतलब बैनर का वो जो आप बोल रहे थे ना, मतलब स्लाइडर टाइप, वो उस चीज के लिए बस। ये स्लाइडर नहीं बोलेंगे वैसे तो, ये पार्ट ऑफ यही है, इसी का ही है, बट मैंने ये फिलहाल ऐसे ही रखा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था शायद अगर कोई गलती निकलेगी तो ये ना हो कि मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दूँ, फिर बाद में गलती निकले, इसलिए मैंने सिर्फ ये डाला इमेज, बाकी सारा कुछ बनाया। दैट्स नॉट लुकिंग राइट, क्योंकि ये कोई स्लाइडर नहीं है, ये हमारा नेविगेशन ही है। ठीक है, तो नेविगेशन कभी भी तुम्हारा ऐसे नहीं होता ऊपर में। क्या ये नेविगेशन नहीं था सर, ये था बेस्ट डील्स फॉर गेमर्स एक्टिंग। ओके आई डोंट नो, ठीक है, काइंड ऑफ नेविगेशन ही है ये। हाँ, इतना कूल नहीं लगता ये चीज। ठीक है, तुम अभी यूज करना चाह रहे हो, लेकिन और इसमें कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक है। आज मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आज मैंने तुम्हें जस्ट बेसिक बताया था कैसे तुम्हारी वेबसाइट बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अभी मैंने तुम्हें नहीं बताई हुई है, उनके बारे में बात करेंगे आज। बस मैं इससे समझे, काफी बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, क्या साइज रखा हुआ तुमने इनका? 715 पिक्सल, वेट, हाइट कितनी है? 73 पिक्सल। 73 स्पेसिंग मैंने सब में उतनी दे रखी है सर, जितनी मतलब आप बोलते हो कि होनी चाहिए। जैसे मगर मतलब जैसे ये पहले वाले में जित 36 यहाँ पे है एंड 26 यहाँ पे है, तो इसमें भी 36 26 वाला है, सब सब में ऐसे ही है स्पेसिंग। वो कहाँ पे है तुम्हारा? क्या रुको, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ओके लेट्स सी, इसके लाइन कहाँ गई? पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आई क्या हुआ, इसकी लाइन आई नहीं रही थी। आई नहीं रही थी। कैसे बनाया हुआ तुमने, किया गया है? किससे बनाया था ये यूज कर लो। तुमने? नहीं, रेक्टेंगल लिए हैं, क्या किया है तुमने, बनाया कैसे? मैंने ये बॉक्स तो ये वाला बॉक्स तो यही ले लिया था, ठीक है, और ये जो ये बॉक्सेस अलग से बनाए थे, ठीक हाँ, ये रेक्टेंगल है है, तो हाँ ब्रेक क्यों नहीं हो रहे? इनको ग्रुप किया हुआ है क्या और ज्यादा? महीने मैंने वो कर दिया था यूनाइट। डोंट गो विथ दैट। स्टार्टिंग में जूनाइट्स वगैरह का जो नहीं, इसमें कम करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में जूनाइट्स वगैरह, कम से कम कोशिश करो जूनाइट्स करने की। सर रुको 2 मिनट, इसको मैं चलो। हाँ ठीक है, ओके,
वन लाइन कंप्लीट होगी, तो हाफ में छोड़ती है लाइन अपनी तरफ से स्पेस वॉर प्ले करो। स्पेस बार चल गया? नहीं, मैं स्पेस बार क्लिक करके उसको मूव कर रहा था। ओके, टॉप पे क्या था इसे इसका मेन नेविगेशन का? 3666 और 171। ओके, मैंने ऐसे लिखा हुआ है यार, मैंने बुकलेट पे भी लिख दिया था, जैसे आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ विदाउट इवन मतलब द साइज देखे बिना। ठीक है, ये वैसे तो अभी कुछ इसमें जज करने को है नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ ठीक ज्यादा अप्रोचिंग कर दिया, बस कुछ चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है वो है तुम्हारे चीज कर रहे ये लोगों के अंदर वाले। सर ये मैं कलर इसको देख के लिया, आपने बोलता है मतलब कहीं ना कहीं लोगों से रिलेटेड ही कलर होने चाहिए, नहीं तो मैंने ये वाला कलर लिया। हाँ, कोशिश और ये वाला मैंने इसको इससे लिया, फिर मैंने इसका दोनों कॉम्बो बना दिया, जैसे इसका कॉम्बो बना था, मैंने सोचा ये कॉम्बो अगर ये अच्छा लग रहा है तो शायद ये कॉम्बो भी अच्छा लगेगा। मैं फिर मैंने ये वाला यहाँ पे ये स्किन कलर ट्राई किया तो ये हार्ट और ये अच्छा नहीं लग रहा स्किन कलर में, मैंने फिर ग्रीन कलर ट्राई किया तो उसमें मुझे थोड़ा बेटर लगना शुरू हो गया, बस बाकी देख लो आप। मैंने मतलब आइडिया वही लिया। मैंने तुम्हें कहा कि कोशिश किया करो, कोशिश और हमेशा लेने का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बहुत दिख ही नहीं रहे तुम्हारे आइकन तो आप देख रहे हैं। तुमने स्ट्रोक भी लेके रखी है? नहीं, स्ट्रोक नहीं ली थी, स्ट्रोक अभी आपने लिए। तो मैंने दी है, तो ये हट लेते हैं। आई प्रेफर दिस वे एंड जरूरी नहीं तुम्हें वही कलर्स लेने हैं तो लोगों के हों, कैन गो विद समथिंग एक्सपेरिमेंटेशन। और काट का? ठीक है, काट का रहने दो। मैंने उसका कलर इसलिए चेंज किया ताकि वो समथिंग तुम्हारा अट्रैक्शन जनरेट करे। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें एक चीज पूछनी थी सर, जैसे सर्च का मैंने जो ओपेसिटी है ना वो मैंने 60 रखी है, जो सर जहाँ पे सर्च लिखा आ रहा है ना उसकी मैंने ओपेसिटी 60 रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी ओपेसिटी मुझे ठीक लगती है, मतलब सर्च बार दिखे भी और थोड़ा सा ऐसे ब्लरी दिखे ना, मतलब थोड़ा सा ओपेसिटी कम के साथ दिखे वो अच्छा लगता है उसे, मतलब मैंने काफी साइट्स पे मैंने देखा था कि ऐसी उन्होंने थोड़ा सा ब्लरी रखा होता है। होता ही ऐसे, ठीक है, ब्लरी ही। यस सर, यस सर, ठीक है, जो भी तो ब्लरी ही रखते हैं। और सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, जो ये जो सॉफ्टवेयर और ये जहाँ पे होम में होम गेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लिखा है, इसका स्ट्रोक्स पहले मैंने मतलब नहीं दिया था, तो वो स्ट्रोक्स जब अगर नहीं दो तो वो ज्यादा बेटर लगेगा कि स्ट्रोक्स के साथ बेटर लगेगा? ऐसा कि मैं स्ट्रोक्स के बंद कर देता हूँ। ये डिजाइनिंग की नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, तुम्हारा कैसा है, तुम दोनों चीजों से दिखा सकते हो, बिना स्ट्रोक के भी दिखा सकते हो, बिना स्ट्रोक के ज्यादा बेटर लग रहा है वैसे देखने में। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा था। बट सर एक चीज मैंने नोटिस की है, जैसे मैंने स्ट्रोक्स का नन कर दिए, ठीक है, बॉक्स इसके लिए मुझे चाहिए था, स्ट्रोक्स मैंने नन कर दिए, बाकी साइड्स में क्या है फिर? मैंने काफी साइड्स में देखा है सर, ऐसे जैसे बीच में एक लाइन नहीं होती, जैसे इसी में एक लाइन आ गई, वो लाइन इतनी इतनी सी लाइन होगी, इसी को मैं अगर यहाँ प्लेस कर दूंगा सारी जगह तो, और इसको मैं स्ट्रोक दे दूंगा ब्लैक कलर का ऐसे, समझ गया मैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट की ये, हाँ ऐसे सर, ये ठीक लगेगा? हाँ ठीक है, मैंने कहा ना तुम्हें जो स्टाइल अच्छा लगता है, ठीक है, तुम्हारा यूनिकनेस स्टाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम्हें एग्जैक्ट फॉलो ही करना है, ठीक है। ये मैंने सर दो तीन साइड से देखा है, मैंने एक साइड पूरा कॉपी नहीं किया, मैंने दो तीन साइड गेमिंग साइड थी उन्हीं को देखकर ही मैंने ये बनाया। बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैं
जहां तक देख रहा हूँ कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजों का तो मैं पता नहीं है, तो yes, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन चलेगा। yes, like this, ठीक है। लेकिन एक चीज और, जो भी तुम्हारा एक्टिव है पैनल, let's go with something different color. I usually like to go with those colors. जो तुम्हारे text में एक्टिव है, ठीक है? Yes sir. ताकि वो दिखे कि एक्टिव है, ठीक है? इसको UI, yes sir, ठीक है? User, UI designs कहते हैं, ठीक है? ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? कैसे तुम यूजर का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है? और उसको कम yes, करने पड़े चीजों को समझने के लिए, ठीक है? तो yes, यूजर इंटरफेस, ठीक है? यूजर इंटरफेस बेसिकली yes, मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँगा क्या है, जो भी तुम चला रहे हो, ठीक है, कभी कुछ भी चला रहे हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा इसमें ये चीज फीचर होना चाहिए, तो तुम्हें जो कमी नजर आती है, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट फेज ऑफ योर यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइनिंग। तुम उस कमी को कैसे आओ yes, कम करने के लिए क्या कर सकते हो? सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जो हाँ बेस्ट डील्स वाला जो लिखा था सर, इसका कलर ब्लैक ही रहने देना कि इसका कलर भी चेंज करना चाहिए? मुझे लगा शायद ब्लैक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो क्योंकि उसके नीचे जो बेस्ट बोला, बोलो नहीं आप बोलो, बोलो ठीक है। मैं सिंपली ये बोल रहा था कि क्योंकि इसके साथ जो तुम्हारा सूट नहीं करेगा, जो पीछे तुमने इमेज दे रखी है उसकी वजह से और कलर्स बीच में दिखेगा नहीं इतने बेटर से, ठीक है? सर ये इमेज भी मैंने किसी साइट पे देखी नहीं, बस मैंने खुद डाल दी, ठीक है, डाल सकते ये, और मैंने इस पे हाँ मगर मैंने असर डाली कैसे है वो आप देखो एक बार, ठीक है? जैसे तुमने ऑपेसिटी कम करके की है, सिंपल इमेज yes, की है, और कुछ नहीं किया होगा, इमेज पीछे सिंपल रखी हुई है और जो व्हाइट कलर का जो वो था उसकी ऑपेसिटी कम कर दी, व्हाइट कलर है किसकी? हाँ मतलब ऊपर व्हाइट कलर का बॉक्स आ गया ना, ये मतलब ये और इमेज उसके नीचे है सर और उसको ग्रुप किया हुआ है, ठीक है? इसकी ओपेसिटी कम करिए, इसकी ओपेसिटी तो फुल है ना, हाँ ऊपर वाले की कम है, नीचे आप देखोगे ना, रुको रुको ये कहाँ पे है, ये है ना, ये है ना इमेज सर, अच्छा बॉक्स ऊपर डाला हुआ है, हाँ बॉक्स ऊपर डाला हुआ है, लिंक जो इमेज है वो उसकी ओपेसिटी फुल है, वो पूरी इसकी ओपेसिटी की है, यही इमेज मैंने यहाँ पे बड़ी करके रखी थी, इसके बजाय अपोजिट ज्यादा करते तो ज्यादा अच्छा लगता, ऑपोसिटी उसकी कम करते हैं इमेज की, क्योंकि जो डिजाइनर्स को कोड करना होता है वहां पे चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है? ठीक है, प्रेफर करते हैं डिजाइनर्स ऊपर ही हो, ठीक है, मैंने आपको पूछ लिया, ये ठीक है, ठीक है, एरर नहीं कह सकता लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कोडर्स के लिए, यस सर यस सर। तो यही चीजें तो वो नोटिस करते हैं कि कौन ज्यादा प्रोफेशनल है इस चीज में और कौन ऐसे ही है, तो ये चीज ठीक है, हाँ डिपेंड करता है तुम्हारी दो तरह के ओके, तो फिलहाल के लिए अभी ये चीज ठीक। अब आते हैं तुम्हारा मेन, आ जाओ मेरे पीसी पे शिफ्ट कर लेते हैं, यस सर, तो इसको सेव कर लो, ये इस फाइल का नोड है ना, ये डिजिटल नाम है,
ओके विवेक यस सर ठीक है, तो मैंने कुछ चेंजेस किए थे इसमें, ट्राई कर रहा था यस सर ज्यादा मैंने चीजों को रीऑर्गेनाइज किया था मैंने थोड़ा सा वेरिएशंस बना रहा था ओके तो अब आ जाते हैं आज की क्लास पे ठीक है कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूँ सीक्रेट न्यू ये 2080 वाला है दोनों सेम ही है ठीक है बट ये अलग है ना आपने वेब वाला चाहिए ना तो अभी फिलहाल मेरे को कोई भी चाहिए ठीक है मैं तो आपको कुछ बताने आ रहा हूँ पहले फीचर ठीक है वेब वाला ले लेते हैं ठीक है सर ठीक है हाँ वेरी वेब ठीक है हैप्पी यस सर अब आते हैं तुम्हारे यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं सिंपल सा एक बॉक्स ले रहा हूँ अब जब भी तुम्हारी वेबसाइट्स बनती हैं हमें एक चीज होता है ठीक है कोडिंग जो करते हैं बर्तन वो ग्रिड्स का यूज करते हैं ठीक है ग्रिड्स क्या होते हैं स्मॉल सेक्शंस होते हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेशंस ताकि कोडिंग करने में चीजें इजी रहें ठीक है क्योंकि तुम्हारी सेम वेबसाइट मोबाइल के लिए जाने वाली है ठीक है टैबलेट्स के लिए जाने वाली है तो साइज शिफ्टिंग करना पड़ता है उसके हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट अडॉप्ट कर पाए ठीक है तो हाँ उसके लिए हमें कस्टम साइजेस की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट में आ जाओ पास में आ जाओ ठीक है और यहाँ पर तुम्हारा स्प्लिट इनटू ग्रेड्स ठीक है यस सर तो यहाँ पे आया हुआ है ठीक है मैंने बॉक्स बनाया और स्प्लिट इनटू ग्रेड्स कर दिया ठीक है चाहे तो तुम फिल को पहले नन कर लो ठीक है सिर्फ स्टॉप कर लेते हैं एंड परफेक्ट पास एंड स्प्लिट टू ग्रेड बस मैं क्या करूँगी वो ऑन कर लेते हैं ठीक है और जो ग्रिड्स चाहिए होती हैं वो है हमें कॉलम्स में ग्रिड चाहिए होती हैं ठीक है और जो एक स्पेसिफिक नंबर है जो ग्रिड्स होती हैं तुम्हारी वेबसाइट के लिए वो है 12 ग्रिड्स ओके सर ठीक है मिनिमम जो भी तुम्हारे वर्क करते हैं डिजाइन में कोडिंग में वो 12 ग्रिड्स के अंडर वर्क किया जाता है यस सर ठीक है इसको बेटर कोच देने के लिए एक चीज हम और कर सकते हैं तुमने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उसके साइड में स्पेसिंग होती है ठीक है तो बुक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो अभी जो हमने जो आर्टवर्क का साइज दिया हुआ है ठीक है क्या है 1366 12 ठीक है इसको मैं क्या कर लेता हूँ विड्थ को चेंज कर लेते हैं ठीक है और जो हमें चाहिए ठीक है सिर्फ विड्थ को जिस 1200 इन दोनों तुम्हारी जो वेबसाइट्स होती हैं इस साइज ठीक है एडिशनल स्पेसेस इस साइज में छोड़ा जाता है तो आई लाइक दिस वन लाइक दिस और मैं क्या करूँगा एडिट में और सॉरी ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं बात और यहाँ पे स्प्लिट ग्रिड्स और कॉलम 12 रखेंगे और कॉलम रखेंगे हम 12 कॉलम्स ठीक है यस सर ये हमारी ग्रिड की स्पेसिंग हो जाएगी ठीक है इसका भी चीज और करना चाहता हूँ वो है तुम्हारी ठीक है तो इसको तो पहली बात तो हम छेड़ेंगे नहीं ग्रिड चेंज करेंगे तो तुम्हारी ये चीज चेंज होगी ठीक है जो नेक्स्ट चीज चेंज करनी है वो है इम्पोर्टेंट कट स्पेस ठीक है ये चूजी तो आती है तुम्हारी जो हम कोड देते हैं ठीक है कोडिंग में देते हैं वो है 15 पिक्सल यस सर ठीक है लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग 30 पिक्सल ठीक है डबल क्यों बता रहा हूँ गाइड ऐड करना है ठीक है ऐड गाइड कर लो कुछ भी कर लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है
सर बोल रहा है अब इसमें ओके ठीक है एड्रेस क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पे डबल क्यों ले रहे हैं, बेसिकली जब हम कोडिंग में लेते हैं ठीक है, इस चीज को हम कोडिंग की भाषा में कहते हैं मार्जिन ठीक है ओके। तो हम मार्जिन छोड़ते हैं ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट करता है तो मैं 15 पिक्सल उसके लेफ्ट में मार्जिन छोड़ता हूँ ठीक है, और 15 पिक्सल ही उसके राइट पे मार्जिन ठीक है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 15 पिक्सल इसका मार्जिन होगा और 15 है राइट साइड पे, तो जब 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा 30 That's why we choose 30 ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझ नहीं आया बट ठीक है, आगे क्या पता समझ आ जाएगा ठीक है। कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लाइक कोई नॉट की कोई वेबसाइट पता है किसकी चाहिए आपको ये बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। कोई वेबसाइट हो या किसी वेबसाइट की, फ्लिपकार्ट नहीं जाना चाह रहा था बस, क्या बता आप बता दो ना मतलब रिलेटेड टू, तो मैं आपको बता दूंगा किसी कंपनी की हो जाए पर्टिकुलरली। अमेजोन ले लो, अमेजोन बोल रहा हूँ सॉरी ये बोल रहा हूँ, एएमडी की चले जाओ। किसकी? एएमडी सर सॉफ्टवेयर की। अच्छा एएमडी, मेरे को लगा एएमटी बोल रहे हो ठीक है ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम जो स्पेस देख रहे हो ये होती है तुम्हारी ठीक है मार्जिन ओके ओके ठीक है समझ गया। देखोगे सेम स्पेस दिखेगी तुम्हें, सेम सेम स्पेस होगी मतलब हर जगह वो उतनी ही स्पेस आपकी होगी ठीक है। अब जब डिजाइनिंग करते हैं हम ठीक है, कोड करते हैं ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने सेक्शंस चाहिए ठीक है। अभी समय में अच्छा अच्छा मतलब जो इसलिए हम ग्रिड बनाते हैं ताकि एक जो ग्रिड के बीच वाली ये वाले पोर्शन है ये स्पेस है बेसिकली। हाँ ठीक है, जो भी बनेगा वो इस स्पेस के, जैसे अगर इस साइड पोर्शन आएगा तो वो स्पेस यहाँ से भी देखी जाएगी और स्पेस यहाँ से भी देखी जाएगी। ठीक है अभी समय में आएगा तुम्हें एग्जैक्टली जब मैं बनाऊंगा ठीक है और क्या होता है। ओके तो अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अनग्रुप कर दें ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप बनाता है तो ये वाली कॉलम में ही चाहिए, तो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस वन ठीक है एंड सिलेक्टिंग दिस वन ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे ही रख सकते हो, आई डोंट लाइक दिस, मेरे को प्रेफर लगता है कि इसको समवेयर यहाँ पे रखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया और लास्ट थिंग मेक इट लार्ज लेट इट गो, इतना लॉज कर सको क्योंकि इसको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वेब पेज हमें नहीं पता कि कितना लंबा बनेगा ठीक है, जो हमारी वेबसाइट बनेगी ठीक है। वेबसाइट सिर्फ ऐसी नहीं होती कि जस्ट कितना सा पेज होता है, स्क्रॉल भी होता है ना स्क्रॉल ठीक है, तो उस चीज में ये कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा जस्ट सभी चीजों को सिलेक्ट कर लूंगा ठीक है, अब क्या करूँगा राइट क्लिक ठीक है, और यहाँ सॉरी राइट क्लिक पे नहीं आता, यहाँ पे आ जाओ व्यूज में ठीक है, और यहाँ पे आता है ग्रिड्स सॉरी गाइड्स ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है मेक गाइड्स ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे तुम गाइड्स ठीक है। अब जो तुम्हारी ठीक है पहले वो सिर्फ लाइन ये लाइन रीड करनी थी ना ठीक है, नहीं मैं खुद रख रहा हूँ ठीक है इस लाइन को, सिर्फ मैंने टॉप की लाइन डिलीट की, टॉप की लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप मेरे को पता है वहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब मैं आर्ट बोर्ड लार्ज करूंगा ठीक है, तो मेरे को पेज का फोल्ड नहीं पता चलेगा ठीक है। यहाँ पे मेरा फोल्ड है जो कि फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंप्रेशन जनरेट करेगा
ठीक है, तो इस कारण मैंने फोटो नहीं किया। ठीक है सर। ओके जी सर, गाइडलाइंस ठीक है। हाँ मेरे को कलर इसका पसंद नहीं आ रहा, गाइडलाइंस का बहुत फेडेड है, ठीक है करती है। तुम चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो गाइडलाइंस का, ठीक है, अंटिल तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट ही ऐसा रखना है कि जिसमें कलर ठीक दिखे तो रख सकते, ठीक है। अभी मैं कलर चेंज करने का बता दूँ, तुम्हें कलर चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तुमसे प्रेफरेंसेस में आ जाओ, जनरल्स और यहाँ पे गाइड एंड ग्रेड्स, तो यहाँ पे तुम्हारा कलर आ रहा है, ठीक है, ताकि तुम मैनुअली कोई कलर रख सकते, ठीक है। तो उसी कलर गेम, ठीक है सर, ठीक है सर। आई डोंट लाइक, देखो आई लाइक डिफॉल्ट कलर गाइड एंड ग्रेड्स and last my kids, yeah. Okay. मैं अभी तक कोई डाउट? तो काइट्स का समय में आ गया कि कैसे बनाते हैं और क्या रोल, अभी भी समझ नहीं आया होगा अच्छे से रोल के, समझ गया, स्पेसिंग के लिए होता है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट बार बार, इतना टाइम नहीं होता कि बार बार हम स्पेसिंग देखते रहे या वो उस स्पेसिंग, क्योंकि बहुत सारे हमें पैनल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे ही मेन्यू बार बनाने पड़ते हैं या एड या स्लाइडर बनाने पड़ते हैं, तो उन सबकी स्पेसिंग का ध्यान रखने के लिए एक हमने ये बना दिया, इस एक से हम सबकी स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो तुम्हारा कंटेंट होते हैं वो नंबर ऑफ ग्रिड को कवर करते हैं, यानी कि वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ ग्रिड और एंड ऑफ ग्रिड तक बनते हैं, इनको हम कोडिंग की भाषा में सेक्शंस कहते हैं, ठीक है सर। तो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट टू सेक्शंस का हो सकता है, ठीक है, और इट कैन बी ए सिक्स सेक्शंस, ठीक है, it can be of full full grid, okay. depending upon ki kya mujhe dikhana hai, okay. isi ke sath tumhara same tarike se, but wo lines ko cover karega pure, hai na, theek hai, to jo bhi tumhara sections banega wo tumhare lines ko cover karega, theek hai। तो दीज आर सर्टेन कॉम्बिनेशन जिनका हम यूज कर सकते हैं अपने सेक्शन बनाने के लिए, बाकी तो कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो। मोस्ट कॉमनली हमारे 3x3 और 4x4 के ज्यादातर यूज में आते हैं, दीज आर सर्टेन सम कॉम्बिनेशन करते, क्लियर? यस सर। अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट इसमें पूरे में, ठीक है, कुछ और चीजें भी फ्यूचर में बात करूंगा, अभी तो चलो छोड़ते हैं, ठीक है सर। बोलो। जो आप बोल रहे थे वो माइनर मिस्टेक थी, वो इसी चीज की थी ना कि मतलब यह जो गाइड्स नहीं बनाई थी हमने, पहले ग्रिड्स बनानी थी, गाइड्स बनानी थी और स्पेसिंग उसी हिसाब से रखनी थी सारी चीजों की, तो आप वही चीज के बताने वाले थे ना, ठीक है, जो लैग था मेरे वाले उसमें, ठीक है। तो मैंने बता, क्योंकि तुमने बताया नहीं था अभी तक उसके बारे में, तो गलती नहीं करते, लेकिन जस्ट तुम्हें आइडिया नहीं था तो उस चीज की वजह से में कमी आ रही थी, ओके, यस सर, यस सर। तो दिस आर सर्टेन फेस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो जी तुम सर एक चीज पूछो, बोलो।
सर जैसे ये पूरा एक पेज आया तो हमने ये बताया कि इस पेज का मतलब ये था एंड मतलब यहाँ ये चीज फोल्ड हो रहा है, तो वैसे ही ये वाला चीज यहाँ पे नहीं आएगी? नहीं, या ये मैं नहीं, बस ये स्टार्टिंग का ही होता है ना वर्ण, फर्स्ट हमें बस स्टार्टिंग को दिखाना होता है कि ये इम्प्रेशन हमारा पहला इम्प्रेशन अच्छा आना चाहिए, तभी बंदा नीचे स्क्रॉल करेगा। अगर पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा तो नीचे स्क्रॉल करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बाकी तुम डिवाइड नहीं कर सकते सेक्शन, बाकी क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? ठीक है, क्योंकि जब तुम स्क्रॉल करोगे, मे भी मैं मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। अब किसी ने इतना सा स्क्रॉल करके रुक गया, किसी ने इतना स्क्रॉल करके रुका, अब तुम कहाँ पे स्टॉप करना होगे? अब तुम स्टॉप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट में तो तुम्हें कोई डिसाइड नहीं करना है, वो सभी को इम्पैक्ट होगा ही इतना ही। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारा फर्स्ट स्टॉप रहता है। ठीक है, यस सर, क्लियर? तो इसको यस सर फर्स्ट फोल्ड कहते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो तुम्हारी वेबसाइट्स कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, मैं इन पे और ज्यादा डिटेल में आऊंगा, मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला था। ओके, तो हम आगे जाने से पहले कुछ और चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। यस सर, जहाँ प्रैक्टिकली करते हुए बताओ, जैसे सही लगे आपको सर, दोनों तरीके से सही है, जैसे आपको। तुम्हें कैसे तरीके से पसंद है, वो डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट आता है तुम्हारा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आते हैं हमारे सर, ये थोड़ा सा इससे बाहर है, कोई नहीं, उसको बाद में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इतना ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने बॉक्स रखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये तुम्हारा बेसिक लेआउट डिजाइन है। ठीक है सर, समझ गया सर। ओके, तो हम आते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसके अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, सभी पे नहीं जा रहा, जस्ट इनका ठक ठक लगाया हुआ है सर। बता नहीं सर, ये फ्लक्चुएट होता है ना, तो ये माइक में पता नहीं क्या और हेडफोन पे टक टक होता है बहुत, मैं कुछ परेशान हूँ इस चीज से। तो यहाँ पे स्टाइलाइज में आ जाओ। ठीक है, जो हमारे काम के ऑप्शन है वो है तुम्हारे दीज ऑप्शन, जो वेब डिजाइन। ठीक है, स्क्रबल को जोड़ दो या आता। ठीक है, राउंड कॉर्नर्स, ड्रॉप शैडो। ठीक है, ड्रॉप शैडो पता है ना तुम्हें क्या करता है? यस सर, शैडो दे देगा नीचे थोड़ी सी। तो डेफिनेटली ये चीजें तुम्हारी वेबसाइट में यूज आती है। यस सर, यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि तुम्हारे पास रिमाइंडर रखना पड़ेगा कि तुमने क्या सेटिंग रखी। ठीक है, यस सर, हर जगह पे कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। सेम सेटिंग्स। ठीक है, जल्दी तौर पे इसको मल्टीप्लाई रखने की जरूरत नहीं है, लीव इट ऑन नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि कोड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो विद मल्टीप्लाई है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कोई नहीं आता उसके पास। यस सर, ठीक है, ऑलवेज ट्राई विद नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट लुक पता चले कि तुम्हारी वेबसाइट की क्या लुक ग्रेट होगी। ठीक है, ऑपेसिटी और बाकी चीजें तो कुछ भी रख सकते हो, एक्स एंड वाई ऑफसेट, जो भी तुम्हें पसंद आता है। ठीक है, जो भी तुम एक में रखोगे, अपकमिंग में भी मैक्सिमम वो ही रहोगे। कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर तो वगैरह सारा कुछ कर ही सकते हो, बताइए। मैं तुम्हें जस्ट वेबसाइट पर, क्योंकि मेरे को पता है ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है,
को बताने की जरूरत है ब्लर वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्स ऑफसेट क्या होता है, वाई ऑफसेट क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं सर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उस हिसाब से, ठीक है, पता है मुझे, वो कर लूंगा मैं, ठीक है सर। तो मेन चीज ध्यान रखने की है ये सब जगह पे कॉन्स्टेंट रहेगी, वेबसाइट में सर पे भी यूज करोगे मैक्सिमम एरिया पे कॉन्स्टेंट रखोगे, एक्सेप्शनल केसेस में तो पहले बोला ड्राइंग डिजाइनिंग में होते ही होते, ठीक है, उनके बारे में बात नहीं करने का, ठीक है। डार्कनेस रखोगे तो डार्कनेस क्या करेगा, जस्ट ब्लैक में कलर देगा, कलर में तो कोई भी कलर रख सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन इस टाइप की शेड देगा, ऐसे रखना मत, बहुत गंदा लगता है। ब्लैक ही ठीक है, ठीक है, यस सर, ब्लैक ही अच्छा है, ठीक है, और ओपेसिटी थोड़ी और कम हो तो ठीक है, वो कर लेना, ओके, यस सर। नेक्स्ट सेक्शन एंड another one feather, ठीक है, जो भी use for soft edges, ठीक है, yes sir, भी use कर सकते हो तो सर, ये उसमें भी था किसमें, हाँ photoshop में, हाँ ये सब कुछ था photoshop में, ठीक है, जब photoshop के ही effect, yes sir, ठीक है, ये जो तुम्हें effect categories दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे photoshop के ही effect हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंट साला नहीं है, कुछ चीजें हैं तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट हमारे फोटोशॉप वाले हैं। एंड नेक्स्ट वन तुम्हारा स्टाइलाइज, ठीक है, इनर ग्लो बताइए तुम्हें क्या करेगा, ये सर बताने की जरूरत नहीं है, मतलब चल जाएगा इनर ग्लो क्या आउटर ग्लो क्या वो पता है, राउंडेड कॉर्नर से चल गया, स्क्रिबल बता दो, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर भी तुम्हें बताइए, जस्ट कॉर्नर को ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे वैल्यू पता नहीं होती, ठीक है, लास्ट बचा तुम्हारा स्क्रिबल, स्क्रिबल क्या होता है, ये तुम्हारा लेटेस्ट में है, अच्छा, ठीक है, तो इसे तुम सिटेबल डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कितना अंदर की तरफ रहेगा, कितना बाहर की तरफ रहेगा, आउटसाइड जाएगा नहीं जाएगा, सेम साइज की वेरिएशन रखोगे, कोई बड़ी कोई रैंडमनेस आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, प्ले करोगे तो हम जाओगे वेज की वेरिएशन पे, ठीक है, ज्यादा करोगे इस जो जो स्ट्रोक्स थी, ठीक है, ये जो स्ट्रोक है इनकी भी, ठीक है, बाकी तुम्हारे टर्नेस जो तुम्हारे एंड पॉइंट है कितने कर भी रहेंगे, उसके बाद वेरिएशन भी चाहिए कर, कुछ कर्व रहे कुछ कम रहे, स्पेसिंग कितनी रहे लाइन के बीच, वेरिएशन कम रहे ज्यादा, वही सारी चीजें हैं स्क्रिबल से इफेक्ट, ठीक है, समथिंग स्क्रिबलिंग इफेक्ट के लिए इसका यार जो नहीं आया, ठीक है, जो तुम्हारा वेबसाइट में है उसे भी चीज है वो है ड्रॉप सेट, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन और जो इफेक्ट्स आते हैं ये सारे तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारे अपीयरेंस पैनल में, ठीक है, क्रिएट होते हैं, यस सर, तो हम अपीयरेंस पैनल से भी ड्रॉप शैडो कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें तुम यहाँ से आके चेंज कर सकते हो वैल्यू अगर करना चाहोगे, ठीक है, यस सर, और ये मतलब बनाने के बाद अगर चेंज करनी हो तो अपीयरेंस पैनल से कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे यस सर वो सारे इफेक्ट सा ओके, अब
ऑप्शन में आ ही गए हैं इफेक्ट करने में, तो फिर टॉप सेव करने के ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो आप इफेक्ट सर आवाज कम आ रही है, इफेक्ट पैनल्स के ऑप्शन पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट आता है तुम्हारा 3D, जो इसको फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, these are just best of options, ठीक है, मेरे को आज तक इनका यूज समझ में नहीं आया। ये क्या करता है, ठीक है, कुछ भी लोगे तुम, इवन एक्लिप्स उसको उस शेप में कन्वर्ट कर देगा। हाँ ठीक है, जानते होगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये उसको क्या करेगा एग्जैक्ट जो भी तुम साइज चाहिए एक्स्ट्रा, जितना भी साइज होगे उसमें कन्वर्ट कर देगा, तो वो सर्कल भी रहेगा और वो रेक्टेंगल भी रहेगा। हाँ ठीक है, सेम तरीके से इसको कर सकते हो, मेरे को सर्कल में चाहिए, कन्वर्ट टू राउंडेड एक्लिप्स। ठीक है, एब्सोल्यूट और लेडिंग। ठीक है, अराउंड रेक्टेंगल्स वगैरह में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो जस्ट इनका बेनिफिशियल क्या है, मैंने तुम्हें जैसे पहले बता दिया, मेरे को आज तक इसका समझ में नहीं आया कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। वेबसाइट डिजाइनिंग में कर सकते हो थोड़ा बहुत यूज इसका, सर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो अलग हो जाएंगी दोनों चीजें। हाँ हो जान जाइए। ठीक है, करो एक बारी, मेरे को समझ आ जाएगा फिर शायद इसका क्या मतलब हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, नहीं होती वो तो उड़ी है, वो सर्कल ही उड़ गया सर। ठीक है, जस्ट तुम्हारा ये आ गया, ये आ गया, आउटलाइन आ गई। ठीक है, पर वो सर्कल कहाँ गया, सर्कल उड़ा दिया उसने, कह रहा नहीं रखना सर्कल। ठीक है, अब तो सर मैं भी बोलूंगा कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, यस सर, मे बी कुछ तो यूज होगा, ऐसे नहीं ऑप्शन रखते, मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो और ना ही मैंने कहा था किसी को कर दो। ठीक है, जस्ट हमारे क्रॉसिंग मार्क्स ऑब्जेक्ट के साथ दिखाया। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे क्या होते हैं, अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके साथ बढ़ेंगे, ये बेसिकली किस लिए होते हैं, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हो। ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जो तुम्हारे लेजर कटिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, तुम्हारे कटिंग मशीन्स होती हैं, बिनाइल्स वगैरह देखी हैं तुमने, आप पे गाड़ी वगैरह पे लगी होती हैं स्टिकर, क्या देखी स्टिकर्स होते हैं जो, ठीक है, वो तुम्हारे लेजर कटिंग से कटिंग होते हैं, हाथ से कटिंग। अच्छा, विल्ले विल्ले जो वो स्टिकर्स लगते हैं, जो मतलब गेम्स का आर होती थी उसमें लगते हैं ऊपर, जो लोगोस लगते हैं छोटे छोटे, हाँ। तो विल्ले के रूप में रखते हैं ना। ठीक है, स्टिकर्स होते हैं कंपनी रियल की भी गाड़ियों पे लगे होते हैं, बसों पे लगे होते हैं। ठीक है, यस सर, वो सारे तुम्हारे इसके लिए होते हैं, और लेजर बैग भी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ होती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उसके लिए नहीं होती, वो तो तुम्हारी आउटर लाइन पे काटते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं उसी टाइप की चीजों को कटिंग करने के लिए, या तो मैनुअली कोई कटिंग कर रहा है, ठीक है, या तुम लेजर कटिंग कर रहे हो, तो वो एजिस दे सके। ठीक है, अगर मेरे को इसको कट करना होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो हमारा बड़ा ही होगा, कट करना है सिंगल साइज में, ठीक है, स्क्वायर साइज में, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन और इस लाइन पे मैच करके स्केल रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कोई ब्लेड से कट करूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो कटिंग मार्क्स तुम्हारे उसके लिए यूज में आते हैं। ठीक है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट में कटिंग मार्क्स क्रॉप कटिंग ऐड कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आया था तुम्हारा, ठीक है, थ्री डिस्टॉर्ट। ठीक है, फोकस, ठीक है, ये सारी चीजें हम वही वाले, ठीक है, बता देते हैं वहां पे तुम्हारे वहां से यूज करते थे फ्री हैंडली, यहाँ से तुम, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू असेस कर सकते हो। ठीक है,
आ गए जो शाइन देते हैं। ठीक है सर, मैंने एक और चीज नोटिस की सर, मैं कल मतलब जब वेबसाइट बना रहा था सर, मैं को बताता हूँ सर, इसी में था वो कहीं पे, पता नहीं आपके बारे में है या नहीं, फ्री ट्रांसफर यहीं पे था सर। क्या था? चलो बताओ, मैं आपको बाद में बताता हूँ सर। उससे मतलब शाइन आ रही थी, मतलब वो पूरा शाइनिंग एक्सपीरियंस दे रहा था, कुछ शाइनिंग एक्सपीरियंस दे रहा था। ठीक है, वो तुम्हारा ये है प्लेयर टूल, प्लेयर टूल। ठीक है सर, वो इतना मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब ये कितना बड़ा भी आप दे सकते हो, ये देखो प्लेयर टूल। ठीक है, यह अच्छा है लेकिन डायरेक्टली तौर पे मतलब इसको आप बिल्कुल छोटा सा करके अगर साइड में रख दोगे तो देता है। ये तब अच्छा लगता है, कुछ गाड़ी वगैरह बना रहे हो उनके ऊपर यूज करोगे। ठीक है, ऐसे वेबसाइट पे नहीं होगा। ठीक है, इतना ज्यादा तुम वेबसाइट वगैरह में यूज नहीं करोगे इसको। ठीक है, अरे यूज नहीं है वेबसाइट पे इसका, वो तो मैं समझ गया था। बाकी कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, जस्ट तुम्हारा कुछ बेसिक ऑप्शंस है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सॉरी आगे ऑप्शंस, ओके हियर इज योर प्लेयर्स के कुछ बेसिक ऑप्शंस है, डायमीटर्स हो गया, क्लोज कितना हो गया, ओपेसिटी कितनी चाहिए। ठीक है, ये तुम ट्राई करोगे समझ जाओगे। ठीक है, इनर डायमीटर जो तुम्हारा अंदर का क्लो होता है। ठीक है, वेज कितनी रहेंगी, रफनेस कितनी रहेंगी। ठीक है, रिंग कितनी बड़ी रहेंगी, कितनी रहेंगी। ठीक है, I don't like that much about this. Okay, next आता है हमारा, ठीक है, जो हमारे effects पे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हुआ हो, ठीक है, ये सारे समझ ही गए हो तुम। ठीक है, manually try कर सकते हो, वही चीजें हैं जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, just इनका benefit क्या है कि ये तुम्हारे एज ए यहाँ पे अपीयरेंस पैनल में आ जाए, जिनको तुम फीचर में जाके चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि उसमें तुम मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे तुम्हें कितना चाहिए। ठीक है, किस एरिया पे कितना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं कर सकते, वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पे सेम अप्लाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो कई बार कुछ यस सर आर्टिफैक्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके तो इनको ट्राई करना। ठीक है, जब बताने बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है सर, चलते। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर इफेक्ट। या दिस इज अ क्वाइट नाइस थिंग, let me keep it around here. Yeah. Effect, effect, distort and transform and transform. Less on the preview. ठीक है, अब इससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं पहले करता हूँ, इसका मेरे को स्केल चाहिए विथ वॉइस, सिर्फ विथ वॉइस चाहिए। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ मूव भी हो जाए कहाँ पे, अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उससे 460 पिक्सल्स लेफ्ट में, एंड यहाँ पे रोटेशन एंगल है, लेट्स गिव हिम सम रोटेशन एंगल। ठीक है, और जो मेरे को रोटेशन एंगल चाहिए वो इस पॉइंट से चाहिए। ठीक है, 9 पॉइंट्स हैं, तुम चूज कर सकते हो। ठीक है, दिस वन, दिस वन, this, 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 समझ गया, and this one, ठीक है? Yes sir. तो ये इसको represent करता है। तो इसमें से कौन से points से जाएगी? Copies भी आ रही है sir. ठीक है, I like to make it like here. ठीक है, अब इसको increase करते हैं number of copies. ठीक है। अच्छा, तो वो इसी angle पे घूमता 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 वापस आ जाएगा ना? ठीक है। जितने तुम increase करोगे, ठीक है? इस पर increase. Oh my god. ठीक है, तो ये बहुत टाइप के तुम इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है,
तुम्हें जस्ट सोचना पड़ेगा कि तुम ट्रांसफॉर्म की वैल्यू से कैसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी लेट्स मेक इट समथिंग चेंजेबल, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हर साइड सर वो स्टार पे करके देखो वहीं पे उसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, वो भी हर साइड पे एक जैसा है। मैं थोड़ा सा कुछ चाहता हूँ कि तुम्हें एक साइड पे अलग दिखे। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अगेन इफेक्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट एंड क्रिएट अ फॉर्म। ठीक है, एंड सिंपली अगेन यहाँ पे तुम्हारे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने वो किया था उसके लिए तो जस्ट यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम जाके वैल्यूज चेंज कर सकते हो। इंटरनेट ड्रामेटिक इफेक्ट एंड नाउ आई वांट particularly this point maybe. Yeah. अब आता है हमारा main चीज reflect। ठीक है, reflect क्या करता है? Just जो हमारी direction है object की। ठीक है, तो reflect क्या करेगा? Directions reflect करेगा हमारे object। ठीक है, कैसे हैं? Y में तो रहोगे और रैंडम। ठीक है, बाकी तुम्हारा बचा ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मूवमेंट चाहिए नहीं। ठीक है, अगर इसको करा तो तुम्हारी मूवमेंट करेगा तो ठीक है। ट्रांसफॉर्म फिक्स, ठीक है, पैटर्न्स पैटर्न्स क्या होगा? ठीक है, अगर तुम इसके लिए ये चीज ऑन नहीं रखोगे तो क्या होगा? जो तुम्हारे पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो साथ में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या रहेंगे? हमेशा फिक्स रहेंगे। अगर मैं साइज बढ़ा भी देता हूँ, ठीक है, पैटर्न का साइज बड़ा नहीं होगा। ओके, ठीक है, अगर हम ट्रांसफॉर्म हमें एक ही तरह के पैटर्न चाहिए होंगे सारी जगह तो फिर हमें ट्रांसफॉर्म पैटर्न वाला ऑफ कर दे। हाँ, ऑफ कर दे। ठीक है, लेकिन अगर हमें अलग अलग टाइप के चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है उसके हिसाब से स्केल होती है तो इसको हटा दो। ठीक है, इनसे बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते। पूछने लायक कुछ है नहीं सर। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। ओके, नेक्स्ट देते हैं हमारा इसके कुछ और ऑपरेशनल ऑप्शंस। पाथ एंड ठीक है, नेक्स्ट आया था हमारा विच इज पाथ। ठीक है, हमारा आता विच इज ऑफसेट पाथ। ठीक है, आउटलाइन ऑब्जेक्ट एंड आउटलाइन स्ट्रोक। स्ट्रोक, ठीक है, ऑफसेट पे आप क्या करेगा? एज ए नेम सजेस्टेड, ठीक है, क्या करेगा? तुम्हारे पाथ को ऑफसेट यानी बढ़ाएगा। ठीक है, सॉरी लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से दिख सके। इफेक्ट्स पाथ पाथ ऑफसेट पाथ। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा रहा है कॉर्नर। इसके बाद तुम्हारा यहाँ भी आ रहा है मिलर लिमिट्स। ठीक है, अभी 4 है यहाँ पे, कुछ नहीं ठीक है, माइटर लिमिट आई डोंट नो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करता है? अगर मैं मिनिमम रखूंगा तो कट्स देगा ऐसी। ठीक है, ना बढ़ाते जाऊंगा वो स्मूथ की तरफ जनरेट करता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी जस्ट स्ट्रेट
कॉर्नर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हारे चीचे का ऑब्जेक्ट हो तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज तुम्हें डिफरेंट देगी। इसके बजाय हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक राउंडेड, ठीक है, राउंडेड एरिया आएंगे, ठीक है, इसके बजाय बेवल, ठीक है, बेवल तुम्हारा शार्प कटिंग एज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम तीन डिफरेंट टाइप्स की आउटलाइंस जनरेट कर सकते हो। अब इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ठीक है, इसमें तुम्हारा एक्सपैंड बहुत करता है, ठीक है, लेकिन जो जो तौर पे ये यूज आता है तुम्हारा स्टिकर्स वगैरह बनाने में, लाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऑब्जेक्ट सी होगा, आप क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो सब प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन लेट्स ट्राई पाथ, ठीक है, पाथ एंड ऑफ पाथ वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज लगा रहा है, लाने चाहिए मेरे को राउंडेड एजेस चाहिए, ठीक है, एंड कितने पिक्सल्स। अब ऑफसेट पाथ कहाँ पे काम आता है, ठीक है, लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट था, सॉरी मैं इसकी कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है, तुम्हें पता है सेम जगह पे दो कॉपीज बन गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ इफेक्ट, ठीक है, पाथ जो भी तौर पे, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता इस तरीके से, पहले मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद वर्क करता हूँ, लेकिन तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, एंड नाउ सिंपली गो फॉर इफेक्ट्स पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ठीक है, एंड दिस वन ऑफ और ठीक है। तो इसका बेनिफिशियल क्या है, ठीक है, तुम एज ए स्टिकर्स इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी कलर में, ठीक है, दूसरे तौर पे उस पर्पस के लिए हम, ठीक है, ऑफसेट पाथ का यूज करते हैं, ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है, आई डोंट लाइक इट, आई मिल अ जॉइंट, maybe I like no it's not working, ठीक है, सिर्फ इतने तक ही वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इफेक्ट दिख रहा होगा मिले जॉइंट क्या वर्क कर रहा है, yes, sir. ठीक है, तो तुम्हारे एजेस को स्मूथ कर रहा है, और मे बी बेवल नॉट वेदर इज बेटर, तो इसको आउटलाइनिंग के लिए हम यूज में लाते हैं मैक्सिमम तौर पे, खासतौर पे स्टिकर्स वगैरह के लिए, ओके सर, ठीक है, जैसे हमारे स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ओके, सेम तरीके से तुम्हारा अदर ऑप्शन है, ठीक है, इफेक्ट पाथ पाथ एंड आउटलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आउटलाइन क्या करता है, जस्ट तुम्हारी आउटलाइन क्रिएट करता है, ठीक है, मैं नन कर दूं, ठीक है, तो जस्ट तुम्हारे ऑब्जेक्ट के क्या करेगा, इसकी पूरी की पूरी आउटलाइन ट्रेस करेगा, ठीक है, वही चीज जो मैंने फिलहाल पाथफाइंडर से की है, लेकिन अगर पाथफाइंडर से नहीं भी करता तब भी वो ऑलमोस्ट गिर गया, ठीक है, वही चीज जनरेट कर देता, सॉरी मैं कलर जगह आ रहा हूँ, पाथ आउटलाइन पाथ, तो आउटलाइन पाथ जैसे तौर पे सिंपली आउटलाइन के लिए ही आता है, ठीक है, ताकि तुम्हें चीजों में कलर्स करना इजिली रह जाए, तो कर सकते हो इसका भी लास्ट हमारा बचा इफेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है, ये क्या करता है, जो तुम्हारी स्ट्रोक है, स्ट्रोक
करनी है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में तुम्हारी स्ट्रोक होगी तो उसको आउटलाइन करेगा इन द सेंस मीनिंग सॉरी रेक्टेंगल अब ये तुम्हारी स्ट्रोक्स को क्या कर रहा है आउटलाइन करेगा, तो इनका ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं है, जब तुम्हें ट्रेस करके देता है आउटलाइंस तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट है उनके स्ट्रोक्स वगैरह के लिए, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए होता है, खासतौर पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे मैं क्या कहता था, कोई ऑब्जेक्ट लेता था, ठीक है, उनके अंदर हम पैटर्न्स डाल देते थे, ठीक है, तो पैटर्न को ट्रेस कर सकता है ये, क्या पैटर्न्स को कर सकता है ये, हाँ कर देगा, ठीक है, लाइक आई हैव कॉपीड दिस पैटर्न, ठीक है, एंड सिंपली गो फॉर ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी इफेक्ट, इफेक्ट इफेक्ट पाथ, ठीक है, तो नॉट स्ट्रोक, ठीक है, ऑफसेट ऑफसेट पाथ, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो उसने हर चीज को ब्रेक कर दिया है, मेरी से तुम्हारा, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाके स्पैन का यूज करूंगा, स्पैन आ गया ऊपर है, स्पैन इज देयर, ठीक है, तो अब चीजें प्रॉपरली मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं तो कई बार क्या होता है दिक्कत आती है, तो चीज को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन में ये हेल्प करता है चीजों को, ठीक है, लेकिन मेनली जो यूज में आता है, ठीक है, वो तुम्हारा ऑफसेट ही पाता है, ठीक है, अब आता है तुम्हारा विच इज एनदर वन, I don't like it. Single color. Okay. ठीक है. Path हो गया. Path finder. ठीक है. बताने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं. वो वही है. वो समझ गया मैं. ठीक है. तो ये सारे वो ही हैं तुम्हारे पास सारे. ठीक है. Rasterize. ठीक है. It's a nice effect. ठीक है. Like मैंने ये चीज को generate की है. अब मैं इसको चाहता हूँ वो कि ये something इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा तो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के रेस्टराइज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ से रेस्टराइज कर दो। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगी। ठीक है। आरजीबी चाहते हो? इसे चाहते हो बिट मैप? ठीक है। अभी ग्रेस्केल में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बिट मैप में सिर्फ ब्लैक व्हाइट कलर आएंगे, ठीक है, आरजीबी में सभी कलर आ जाएंगे। रेजोल्यूशन क्या रखना चाह रहे हो? ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए या पीछे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए? व्हाइट, ठीक है, तो व्हाइट तो नहीं रखा, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट आ गया, अच्छा मैं बैकग्राउंड, ठीक है ठीक, ठीक है, हम्म, इसके वजह से तुम्हारे यहाँ पे कुछ आर्ट ऑप्टिमाइज और टाइप ऑप्टिमाइज ऑप्शन है, ठीक है, अगर तुम्हारे टेक्स्ट ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो ट्राई टू गो विद टाइप ऑप्टिमाइज, ठीक है, अगर तुम्हारा डिजाइन वगैरह ज्यादा है आर्ट ऑप्टिमाइज कर, इतना कुछ नहीं होता, जस्ट हमारा जो चीजें ट्रेसिंग करता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखता है कि जो तुम्हारे टेक्स्ट वगैरह है उसमें कलर्स और शार्प एजेस रहेंगे, तो उसके हिसाब से ट्रेस करेगा, जो तुम्हारी आर्ट रहेगी उसमें सॉफ्टनेस रहेगी, तो उसके हिसाब से, तो इसमें दोनों है ना सर, ठीक है, तो फिलहाल तुम आर्ट ऑप्टिमाइज पे ही मैक्सिमम करो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, चाहे तो नन छोड़ सकते हो एज इट इज रहेगा, लेकिन आई प्रेफर आर्ट ऑप्टिमाइज, ठीक है, ठीक है, एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, जो बाकी एरिया है इसके साथ मास्किंग भी बना देगा, इसके साथ मास्क ऐड कर देगा, मेरे को मास्क नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, और चीज तुम्हारे ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साथ होता है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग, ओके, अब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है रेस्टराइज हो चुका,
देखना स्टार्ट हो गया होगा। पिक्सल आ गए ठीक है। अब कहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हें ठीक है ऐसा करने की ठीक है। तो इसकी जरूरत तुम्हें पड़ सकती है वो सारे डिफरेंट तो ये क्या कॉपी की है मैंने क्या ओके सॉरी उसमें मास्क अब मैं स्केल नहीं कर रहा उसको ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज हम करते हैं कहाँ पे लास्ट में फाइनल आउटपुट देखने के लिए ठीक है। प्रैक्टिकली तुम ऐसे तो कहीं भी यूज नहीं करोगे जस्ट आउटपुट देखने के लिए चीजों का कि कैसा रिजल्ट कैसा लगती है जब वो प्रिंट होके आएगी। नहीं पिक्सल प्रिंटिंग में नहीं होते पिक्सल कहाँ पे होते हैं तो उसकी वेब में वेब में ठीक है। अभी तुम्हें वेब में ये ऐसे रखेगा ठीक है हाँ ठीक है। अगर मैं साइज बड़ा करूंगा यहाँ पे ध्यान रखो मैं साइज 200% पे देख रहा था चीजें ठीक है। अगर मैं 100% करूंगा तो वो सही दिखेगा लेकिन ठीक है जूम करके कोई देखेगा तो उसको ऐसा साइज दिखेगा ठीक है पिक्सल्स दिखेंगे। लेकिन अगर मैं तब भी है ना अच्छा अच्छा सब मतलब जैसे अगर कोई लोगो हमने लेना होता है हम लोगो ऐसे करके अगर लेते हैं तो वो लोगो पिक्सल्स में आता है इमेज के फॉर्म में आता है समझ गया इसलिए वो पिक्सल फटते हैं क्योंकि बनाया तो उन्होंने फिर वैसे होता है फिर वो उसको रेस्टराइज करके डालते हैं। हाँ उसको रेस्टराइज ही डालते हैं हमेशा इमेज ही डालते हैं ये जस्ट तुम्हारा प्रीव्यू देखने के लिए ठीक है। इसका बजाय ठीक है मैं आसान तरीके से भी देख सकते हो ठीक है जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। इसके बजाय तुम सिंपली क्या कर सकते हो व्यू में आ जाओ ठीक है और यहाँ पे आते हैं पिक्सल प्रीव्यू ये भी सेम काम करता है ये भी तुम्हें पिक्सल्स में दिखाएगा लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है रेजोल्यूशन चूज करने का ठीक है। वहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन चूज करने का ऑप्शन था ठीक है। मल्टीपल भी हैं सेम चीजें करने के प्रीव्यू ठीक है जिनकी हम हमेशा हेल्प लेते हैं। और वेबसाइट जब भी बनाओगे ठीक है बनाओगे जिस मर्जी साइज में जब भी तुम्हें आउटपुट देखना है लास्ट में वो 100% पे देखोगे ठीक है ताकि तुम्हें एग्जैक्ट साइज पता रहे कि तुम्हारी वेबसाइट कैसी लगेगी फाइनल ठीक है ना तो स्मॉलर स्केल में ना ज्यादा ठीक है। अब मेरे को अगर इसको प्रीव्यू देखना है चलो आज तुम्हें एक और चीज बता देते हैं लाइक मेरे को देखना है कि इसको कैसी दिखेगी ठीक है। तो एक चीज कर सकते हो यहाँ पे जाके ठीक है इस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड पे जा सकते हो और सिंपली अपने यहाँ पे जाके एफ क्लिक कर सकते हो ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हो गए ठीक है तुम्हारा फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार आएगा। नेक्स्ट बार एफ क्लिक करोगे फुल स्क्रीन आएगा विदाउट मेनू बार ठीक है। और शिफ्ट एफ करोगे ठीक है तो प्रेजेंटेशन मोड ठीक है। तो फाइनल देखने इसके लिए तुम ऐसे जा सकते हो तुम्हारी फुल स्क्रीन में वेबसाइट कैसी लगेगी ठीक है। और बाहर आने के लिए सिंपली एस्केप क्लिक करो ठीक है। और अगर एफ से एंटर किए हुए ठीक है तो तुम क्या करोगे एफ वापिस क्लिक करोगे तो तुम एग्जिट कर लोगे ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ व्यूज के ऑप्शंस थे जो डिफरेंट थे ठीक है। ज्यादा हम तो नहीं ऑप्शन करा रहा हूँ तो हमने आज नहीं नहीं एक आपने आज ग्रिड बताया और एक आपने इफेक्ट्स बताया है ना इस पे आपने बताया कन्वर्ट टू शेप वाला प्रॉप मास्क वाला डिस्टॉर्ट वाला पाथ वाला है ना और पाथ फाइंडर भी हो गया स्ट्रेच भी हो गया स्टाइल भी हो गया ठीक है। स्टाइल भी तुम्हारा हो चुका ठीक है। एसवीजी
एसपीजी फिल्टर। ठीक है, बेसिकली शायद से ये डिफॉल्टली नहीं आते, ये इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है ठीक सर, है, तो गो विद दैट, पहले देख लो अपने वीसी में तुम्हारे में है। ठीक है, वैसे तुम्हारे साथ डिफॉल्ट ही नहीं होते। इफेक्ट है सर। है बट फिल्टर अभी तो नहीं आ रहे, मैं नेक्स्ट पेज ओपन करके देखता हूँ तो शायद आएगा। तो वेब इफेक्ट आ रहे हैं सर, अरे काम में आएंगे, अगर काम में आएंगे तो जाओ, नहीं आएंगे। नहीं इतना ज्यादा नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन कर सकते हो इनका यूज। बेसिकली ये प्लगइन है। ठीक है, मेरे ख्याल से डिफॉल्टली ये होते नहीं है। ठीक है, तो जस्ट तुम्हारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इफेक्ट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो मैंने भी इसका ध्यान दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ है नहीं करने। ठीक है, चूज एंड ट्राई और डाउनलोड करके यूज करो। नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा इफेक्ट्स में। ठीक है, जो रैप। ठीक है, ये तुमने फोटोशॉप में भी किया होगा। हाँ सर, ये एक रैप से रिलेटेड कंट्रोल इसमें भी था, वो आपने बोलता मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आ जाओ। ठीक है, यहाँ सिंपली यहाँ से आ जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अभी फिलहाल तो हम यहीं हाँ से करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ से करेंगे, विच इज आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डिफरेंट टाइप ऑफ रैप्स के ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लेंडिंग किस टाइप में तुम्हें स्टाइलाइजेशन चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्ट्रेच करेगा। अगर मेरे को अपोजिट चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, मैं तुम्हें आर्क में दिखा दो विथ वाइज। ठीक है, ये चीज को मूव कर रहा है, मेरे को वर्टिकली चाहिए यहाँ से। यस ठीक कितना इफेक्ट चाहिए यहाँ से कंट्रोल कर सकते। तो ये प्लेन वाली चीजें हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारी मेन चीज में। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आए हैं तो इसकी सेकेंडरी इम्पोर्टेंट थिंग में आ जाते हैं। एंड करेक्टर पैनल्स। ठीक है, सेम ऑप्शन बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों में डाल के रखे होते हैं। ठीक है, तो वो मत कंफ्यूज होना। आई हैव दिस वर्ड्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चाह रहा हूँ कि ओके मैंने ये सिलेक्ट किया है, देन सिंपली यहाँ से आ रहा हूँ मेक विथ। ठीक है, मैश। ठीक है, जैसे ही मैंने किया यहाँ पे तुम्हारा एक ऑप्शन खुल गया, एनवेलप मैश रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, जितना चाहूँ इतने रोज एंड कॉलम्स दे सकता हूँ। अभी फिलहाल आई जस्ट वॉन्ट टू गो विथ समथिंग 3x4। ठीक है, और 3x2। ओके, जस्ट सिंपली क्लिक ओके। नाउ आप क्या कर सकते हो, तुम इसको पकड़ के, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं अपने टेक्स्ट को तुम रैप। जी मतलब सिंपली। ये फ्री हैंडेडली कर सकते थे, और वो जो ऑप्शंस वहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पे उस हिसाब से होते हैं ना, जैसे वो आर पे रखा है और वो वहाँ पे जो भी और बाकी सारी चीजें दे सकती हैं। ठीक है, चाहे तुम अपोजिट भी कर सकते हो क्रॉस करने के लिए, बट वही है, ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें डिस्टेंस क्या था। बिल्कुल सर। ठीक है, तो तुम प्ले कर सकते हो, लेकिन देर इज अ मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, लास्ट आता है। ठीक है, सो सिलेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड
sorry, first this one, and this one, yeah, first this, then this, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, और यहाँ पे आता है तुम्हारा चीज, ठीक है, वो कह रहा है एनवेलप, ठीक है, मेक विद, ठीक है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है, यस सर, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे ऑब्जेक्ट की शेप ले लेगा, ठीक है, यस सर, इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है, तो इनसे तुम बहुत सारे इंटरेस्टिंग इफेक्ट, तुमने ही पूछा था मेरे से हाफ प्लेट वाला ऑप्शन, यस सर, मनीष से, मनीष ने पूछा था, तो मैं सब पूछ रहा था कि ओके समथिंग कुछ ऐसा था ऑब्जेक्ट बना हुआ, ठीक है, प्लेट थी और क्या था यहाँ से लाइक मैंने कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, ठीक है, और इसका ये पॉइंट डिलीट कर देते, ठीक है, तो ऐसी कोई इमेज बनी हुई थी जिसमें यहाँ पे हाफ में इमेज थी और सेकंड साइड पे हाफ में यहाँ पे क्या था टेक्स्ट, ऐसा तो तुम अब कर ही सकते हो, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट टॉप पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे जाके मैं करूं envelope dot and then fill the space with top, ठीक है, तो तुम rounded effects generate कर सकते हो तुम्हारे, ठीक है, हाफ दे दो, यस सर, इमेज रखने जाओ वो भी रख सकते हो, तो देयर इज अ मल्टीपल वेज डूइंग द सेम थिंग्स, ठीक है, यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, कुछ में तुम्हारे कंट्रोल्स मिलते हैं और कुछ में तुम्हारे कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, आ जाते हैं इफेक्ट्स, ठीक है, तो समय आ गया, ठीक है, रैप्स वगैरह, ठीक है, बाकी तुम्हारे यहाँ पे भी कुछ एडिशनल ऑप्शन बचे हैं, इफेक्ट एंड गैलरी तुम्हें पता ही है, ठीक है, पूरे गैलरीज में ले जाओगे और उस पर तुम डिफरेंट, ठीक है, फोटोशॉप का ही है, ठीक है, जो भी तुम्हें कलर इफेक्ट्स हैं वो ही हो, सेम इफेक्ट इस पर डाल सकते हो, कलर ऑब्जेक्ट भी ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है, तो ये किया होगा तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँ, ठीक है सर, ये इतना अच्छा भी नहीं है, ये सिंपल ही है, ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब जो आप अपनी खुद की शेप बना सकते हो या खुद की जो आप एडिटिंग कर सकते हो वो चीज यहाँ पे अच्छी नहीं थी, ऑब्वियसली बात है, वो प्री डिफाइंड ऑप्शन है, ठीक है, तुम्हें जल्दी में काम करना तो सिर्फ उसके लिए है, ठीक है, अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए तो डेफिनेटली यू डोंट लाइक टू गो विद, आपको खुद को बनाना पड़ेगा, जा सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, स्टार्ट वहां से कर लो और आगे से एडिट करते रहो, ओके, सेम तरीके से
ब्लर है ठीक है, तुम्हारे तीन टाइप के यहाँ पे ब्लर है, गेशियन ब्लर, फ्लूइडियल ब्लर और स्मार्ट ब्लर ठीक है। तुम्हें पता ही है गेशियन ब्लर क्या करता है, पता है ना क्या करता है? अबे यार ठीक है, तो गेशियन ब्लर तुम्हारा क्या करता है, चीजों की एवरेज ब्लर लेता है ठीक है, और वो अप्लाई करता है ठीक है। ये भी तुम्हारे सारे डिफॉल्टली एडिटेबल है ठीक है। लेकिन एक चीज बता दो, जो तुम्हारे टॉप वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं ठीक है, ये सारे ये तुम्हारे रेस्टर बेस्ड ठीक है, तुम्हारे सारे ऑप्शन है, और ये जो तुम्हारे नीचे वाले ऑप्शन है ये वेक्टर स्टाइल में तुम्हारी एडिटिंग करते हैं चीजों को ठीक है। तुम यहाँ उल्टा बोल रहे हो क्या? उल्टा बोल दिया ठीक है, जो ऊपर वाले हैं वो वेक्टर वाले हैं, नीचे वाले रास्टर वाले हैं। हाँ ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने गलती से ठीक है। तुम्हें पता भी चल रहा होगा यहाँ पे फोटोशॉप इफेक्ट है, इलस्ट्रेटर इफेक्ट ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप चेक कर रहे होते हो कि सुन भी रहा है कि ऐसे ही है वो भी करना है ना सर, वो भी करना पड़ता है। हाँ ठीक है सर, मगर मेरा सर ध्यान आप पे ही होता है पूरा, जो आप सिखा रहे होते हो तभी तो मैं अगले दिन प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ ठीक है। तो रेडियो ब्लर्स को देगा तुम्हारे सिंपल्स हैं ठीक है, सेम तरीके से तुम्हारा स्मार्ट ब्लर ठीक है, स्मार्ट ब्लर स्मार्टली तरीके से वर्क करता है, ये थ्रेशोल्ड की वैल्यूज पे वर्क करता है ठीक है। तो दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लर्स सर, बेसिकली बैकग्राउंड के लिए होते हैं, मेरे बैकग्राउंड में ठीक लगते हैं ये, फ्रंट में जो भी इमेज होगी उसमें ये मजेदार नहीं आएगा, बैकग्राउंड में जो होगा उसके लिए ठीक है। ऐसा नहीं है ठीक है, ब्लर टूल अब ये डिपेंड करता है ठीक है, तुम्हें कहां पे क्या यूज करना है ठीक है। तुमने कई बार वेबसाइट पे देखा होगा कई लोगों का दिखाते हैं कमेंट्स वगैरह, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाते, ब्लर होता है वो फोरग्राउंड पे ठीक है। तो वेबसाइट में भी यूज आता है इनका। नेक्स्ट तुम्हारे सेम ही है ठीक है, स्ट्रोक्स इफेक्ट है ठीक है, ये तुम्हारे स्ट्रोक्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं ठीक है। आगे ठीक है, वही आगे ठीक है, घूम फिर के वहीं पे वापस लेके आएगा ठीक है, डिस्टॉर्ट वापस अंदर ले जाएगा ठीक है। हाफ टोन्स बताया हुआ तुम्हें, बताया था ना यस सर। ठीक है, याद है? हाँ आ जाएगा याद, मैं करूंगा इसके साथ। तो हाफ टोन्स ग्रेडियंट पे वर्क करता है सबसे अच्छा, सॉरी ठीक है, इफेक्ट्स एंड कैमरा डिस्टॉर्ट पिक्सलेट ऑटो ठीक है, सभी की वैल्यू सेम रखनी है 180 I don't like to सभी की वैल्यू डिफरेंट रखना का ठीक है, गड़बड़ होगी कहीं पे, कोई वैल्यू चेंज है क्या? इफेक्ट्स ऑटोन्स 180 ठीक है। तो ये तुम्हारी लाइंस क्रिएट करता है हाफ टोन इफेक्ट ग्रेडियंट के नाम सर, ये तो वही है जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि ये सर्कल जो बने थे वो स्टार्टिंग में कम थे फिर ज्यादा हुआ ठीक है, तो वो तुम्हारे हाफ टोन इफेक्ट है सर। इसको कलर को चेंज कर सकते हैं हम? किसको? नहीं, डिफॉल्टली तुम कलर्स को चेंज नहीं कर सकते ठीक है, कलर्स आएंगे लेकिन बहुत डिफिकल्ट है हाफ टोन से करना कंट्रोल ठीक है, क्योंकि ये सी एम वाई के को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, सियान मजेंटा येलो एंड की कलर ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू चेंज रखता हूँ ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सियान की वैल्यू है तुम्हारी वो चेंज हो जाएगी, और जैसे ही सियान की वैल्यू होगी तो बाकी सबकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ठीक है। तो अगर इसको हमें कलर लेना होगा तो क्या करेंगे इसको हम? कलर लेना है तो एक काम कर सकते हो, लाइट पेंट हो जाएगा कलर इसको? नहीं होगा, किसी पे भी
कलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए पिच मैप बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर लो, सॉरी एक्सपैंड अपीयरेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड यू हैव क्रिएटेड इट, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद इमेज ट्रेस कर सकते हो इसको, ठीक है, इमेज ट्रेस अप्लाई करके, देन ओनली यू एबल टू गेट सम रिजल्ट्स। तो इनके ना ना ये ना होगा, ठीक है, इमेज की सेटिंग्स के साथ प्ले करके और वर्कआउट कर सकते हो। सिलोटे, लेट्स ट्राई दिस दैट। I like to keep it this one like this 0, yeah. And corners, I don't want corners, left parts, yeah. So yeah, definitely somewhat आगे आले आगे हैं, ठीक है, चले तुम्हें एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे ताकि डिलीट कर सको। तो डेफिनेटली ये सारा मैं ऐसे कोई रैंडम भी नहीं है, लेकिन तुम इसके बजाय आसान तरीका यूज कर सकते हो। विवेक, यस सर, आसान तरीका यूज कर सकते हो। क्या करोगे, इफेक्ट्स में आ जाओ, ठीक है, तुम्हारा साइज छोटा चाहिए 90% ऑब्वियस, और सॉरी एंगल नहीं चाहिए मेरे को, एंगल 0 डिग्री, और कितना होमो प्लस एंड इसको भी 90 डिग्री, 90%, ठीक है, और हाइट ऑफ विड्थ छोटी होगी, एंड 51 पिक्सल, आप जितनी कॉपी चाहिए कर लो। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर चाहिए, यस सर, यस सर, आप इसकी कॉपी बना लो, तुम्हारा सेम इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो इट्स ऑल अबाउट तो मैं तो कल कैसा रही, ठीक है। हाफ टोन बेसिकली तुम्हारा क्लासिक इफेक्ट है, तो इस कारण ज्यादातर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है, ठीक है, या मल्टी कलर रहता है। क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं सर, बाद में पूछता हूँ, पहले बता दो कुछ भी, वेट नेक्स्ट ऑप्शन वगैरह बताना है तो पूछ लेता हूँ जो पूछना था। वो ही सर, वो जो पैम्पलेट नहीं बनाया था मैंने एक, हाँ, स्टार्टिंग में वो पीसी वाला जिसमें वो पीसी के बारे में बता रहे थे, एसर के बारे में। अच्छा, मेरे को याद नहीं है, बनाया होगा, बताओ क्या हुआ उसका। हेलो, हेलो विवेक, thank you.
हेलो ओके हाँ विवेक यस सर चल लाइट गई सर चलो ठीक है बताओ क्या हुआ उसका तुम क्या कर रहे हो भूल गया सर आया था छोड़ो छोड़ो वो ऐसी चीज पूछने वाली थी जो आपने बता चुके हो छोड़ो क्या था फिर भी सर यही जो डिजाइन बनाया था हमने ये वाला अभी आप जो बता रहे थे वो पहले आपने जो बताया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन था मतलब उस टाइम के लिए मुझे इजी लगा बट जो आपने अब जो बताया है उस हिसाब से वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया अब ये इजी हो गया मैंने तुम्हें बताया कि स्टार्ट कॉम्प्लिकेटेड से ही करो ताकि तुम्हारा थोड़ा क्रिएटिविटी माइंड ओपन हो ठीक है लिमिटेड ऑप्शन के साथ ऑप्शन सीखोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी नहीं तो बहुत सारे क्या होता है स्टक हो जाते हैं कहाँ पे डिपेंडेंसी में यस सर फिर आप लगेज ढूंढते हैं आसान करने के लिए और चीजें ढूंढते हैं चीजें बनाने के लिए व्हिच इज यस सर नॉट प्रोवाइडेड इन कंपनी जो भी होते हैं यस सर तो कोशिश करो कि चीजों के साथ जितना इजी से खुद से मैनुअली वर्कर्स को ट्राई करो तो कोई नहीं आज हम ये पे स्टॉप कर रहे हैं ठीक है आज मैं यहीं तक ये ऑप्शन करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो बचे हुए इफेक्ट ठीक है क्रिस्टलाइज एज क्रिस्टल जैसा इफेक्ट जनरेट करेगा देखा जा रही है मैंने ठीक है मतलब बेकार ही कर देगा तो ठीक है फोटोशॉप में होता है ठीक है सेम इफेक्ट है यस सर ओके सेम तरीके से ठीक है ये जितने भी इफेक्ट हैं जी वाले जो है ये सारे तुम्हारे इमेजेस पे अप्लाई हो जाएंगे ठीक है इमेजेस पे अप्लाई हो जाएंगे जैसे तुम्हारे वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को वेक्टर पे यस सर ठीक है रेस्टराइज वगैरह को छोड़ के रेस्टराइज करके रेस्टराइज ही करेंगे ठीक है मेरे भी करते हैं मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो ये सारे ट्राई कर लेना ठीक है कुछ डिफरेंट नहीं है
and we are not going with any videos, so we don't need that. Okay. Yes sir, videos वाला तो मैंने उसमें भी नहीं किया था क्योंकि वो काम का नहीं था. वीडियोस फिर सर ने बोला था अगर करना ही है तो फिर हम वीडियोस वाला अच्छी किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, इसमें क्यों करेंगे. और डेफिनेटली ये फालतू के ऑप्शन दिए जाते हैं यार सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा है बाकी कंपनी से. ठीक है, हमारा ऑपरेटर जो है उससे अपग्रेड दिखाने के लिए. यस सर. तो ये थे तुम्हारे, ठीक है, इफेक्ट बैनर्स. पूछ लेना मेरे से अलग से. यस सर. तो फिलहाल आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने मतलब आज वेबसाइट से रिलेटेड ग्रिड्स पढ़ा और गाइड्स पढ़ा, मतलब ग्रिड्स वाला और उसको बाद में आउटलाइन वाला, वो वाला है ना. ठीक है, और ऑप्शंस पढ़े हैं. ठीक है, इनको कहीं ना कहीं अगर जरूर पड़े वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ड्रॉप शैडो को यूज कर सकते हैं बाकी किसी को. जो सबसे ज्यादा यूज होती है ड्रॉप शैडो. ठीक है, ड्रॉप शैडो और राउंड रिपोर्ट. यस सर. ठीक है, यस सर. लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है बेसिकली वहां पे डायरेक्टली ही दे दिया गया है, तो तुम्हें वहां पे कभी जरूरत ही नहीं पड़े राउंड कॉर्नर्स में जाने की. ठीक है, यहाँ जाके तुम डायरेक्टली ही राउंड कॉर्नर्स कर सकते किसी भी. यस सर. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी डू फॉर टुडे. और तुम्हारा वादिया होमवर्क आज में दो दिन है सर. दो दिन के लिए कुछ ऐसा होमवर्क दो कि मतलब एक दिन हो बस के लिए, मतलब एक दिन फ्री रहे मेरे लिए, बस दूसरा दिन नहीं. ठीक है, तो तुम्हारे जो होमवर्क है, ठीक है, फर्स्ट जो तुम्हारा होमवर्क है तुम बैनर्स बनाओगे. ठीक है, रिलेटेड टू रिलेटेड टू वही जो तुम वेबसाइट बना रहे हो गेमिंग का, तो गेमिंग तो उसी के मैंने से. हाँ, ठीक है, ठीक है, उसके स्लाइडर्स. ठीक है, वेब स्लाइडर्स. ठीक है सर. ठीक है, तो तुम वेब स्लाइडर्स बनाओगे कितने? मिनिमम ठीक है 4. ठीक है, ठीक है. और सर ऐसा बोल देना कि मैं अभी तो ठीक है बोल दूं, पर बैठने करने बैठूं तो पता दो दिन पता भी नहीं चले कहाँ गए. ठीक है, nice. yeah. स्लाइडर तो मैं समझ गया सर, आपने वो मुझे बता दिया था, वो मैं समझ गया था. ठीक है, yes, sir. वो रिलेटेड टू वो होंगे जिसमें एड्स आ रही होंगी या फिर जो सेल्स वाला या फिर जो बेस्ट डील्स आता है उनकी आती है ना सर. ठीक है, या फिर जो डिस्काउंट दिखाते हैं जिसमें कि इतना डिस्काउंट चल रहा है इस पर्टिकुलर आइटम पे जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए बनाएंगे ना. मैक्सिमम मैं तुम्हारे इसके पीछे थ्योरी देखने जा रहा हूं कि तुम कितना अच्छा हीरो एलिमेंट्स को समझते हो. ठीक है, यस सर. ज्यादा ना हीरो एलिमेंट्स. ठीक है, तो तुम्हारी मैनेज में हीरो एलिमेंट्स होते हैं, तो किसको बनाते हो? यस सर. ठीक है, तो एक तो वो बनाओगे. ठीक है, नेक्स्ट शो तुम बनाओगे चार वो स्लाइडर्स. फिल्टर्स में क्या ऑप्शन दे दो मैं? तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट भी तो रहते थे, वो कंप्लीट है क्या? चलो कोई नहीं, तो एक तुम बनाओगे. ठीक है,
पोस्टर्स और वो बनाओगे तुम क्लास क्लासिक स्टाइल में, मतलब रेट्रो स्टाइल में, रेट्रो टाइप में, ठीक है। तो ट्राई दोस्त, ठीक है सर, एक रेट्रो स्टाइल में ला रहा हूँ, इसमें रेट्रो बेस ज्यादा है ना, तभी तो मैं ये दे रहा हूँ। सर ये सारे तो बनते थे ना, मतलब हाथ से बनाते थे ना, कौन से उस टाइम कंप्यूटर थोड़े होते थे, कंप्यूटर थोड़े होते थे उस वक्त, बहुत सारे तरीके से बनाते थे, ठीक है, प्लेट्स होती थी तुम्हारी, ठीक है, उनके थ्रू किया जाता था। हैंड ड्रॉन तो बहुत कम है, ये हैंड ड्रॉन नहीं है, नहीं है, नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर तो मतलब उस वक्त ऐसे सॉफ्टवेयर तो होते नहीं थे, फिर कैसे बनाते थे, लिमिटेशंस के साथ, दैट्स द पावर ऑफ लिमिटेशन। अभी टीवी पे मतलब अच्छा बनाया हुआ था, ठीक है, रामायण चल रही है, ठीक है, देखिए कभी, हाँ रामायण, हाँ बचपन में बहुत देखी सर रामायण, पुरानी वाली, हाँ पुरानी वाली सर, हमारे टाइम की है वो भी, ठीक है, कैमरे के लिमिटेशन थी, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे तुम्हारे, नहीं बहुत बेसिक इफेक्ट्स होते थे, बेसिक क्या हो, बहुत कम होते ही नहीं थे, कैसे करते थे, सोचना चाहिए, समझ गया, ठीक है, कैसे करोगे, पर्दे का इस्तेमाल करना, चीजों को प्ले करना, मिरर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, इनसे चीजें रिफ्लेक्ट करें, वही तरीके से ये भी बहुत करते थे रेट्रो स्ट्राइक्स में, जितने भी ये बॉक्स होते थे सारे उन स्ट्राइक्स वाले, ये आइकॉन है उधर, ठीक है सर, ठीक है, तो अभी फिलहाल ये ही होमवर्क है तुम्हारा, या पर्टिकुलर टाइप भी दे दें किस पे बना, चलो टॉपिक तुम्हारा टाइप दे दो, बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, तुम बनाओगे व्हीकल से, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, किसी वगैरह स्पोर्ट्स या कार वगैरह, ठीक है, ओके, तो फिलहाल अभी के लिए यही तुम्हारा वर्क है, ठीक है, इसमें तुम दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, इसमें सिंगल में नहीं होगा, और कुछ पूछना है सर, इसने यस सर, इसने क्या किया, इसने जो ये वाला पोर्शन है इसी को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यस सर, ठीक है सर, क्योंकि ये फुल हैंड ड्रॉन है, ठीक है, ड्रॉन है, यस सर, कंप्यूटर से तुम्हारा कंप्यूटर जनरेटेड है और तुम्हारा एलस्टेट एजेंसी सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, ठीक है, तो इस कारण वो उसका पीसीस निकाल देगा, चलो ठीक है सर, और कोई सवाल, नो सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, बाय सर, बाय।